नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को कई नई बातें सिखाई हैं। अगर युद्ध स्तर पर बात करें तो ये देखने को मिला है कि इस युद्ध में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का एक बड़ा महत्व रहा है। इससे सबक लेते हुए अब भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा कदम उठाया। इंडियन एयरफोर्स अब रूसी मूल के एक हेलीकॉप्टर के बेड़े को इजरायली नॉन लाइन ऑफ साइट यानी कि NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस कर रही है। ये मिसाइल 30 किलोमीटर तक की दूरी पर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है। बताया जा रहा है कि इजरायली स्पाई NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के बेड़े पर लगाया जा रहा है। ये मिसाइल लंबी दूरी से लक्ष्यों पर वार कर सकती है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियां टैंकों को पल भर में खत्म कर सकती है। हालांकि यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन वो पश्चिमी यूरोपीय देशों अमेरिका द्वारा दी गई एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के दम पर दो महीने से रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भारत ने अभी सीमित संख्या में इनका ऑर्डर दिया है और बाद में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इन मिसाइलों को देश में ही बनाया जाएगा और बड़ी संख्या में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना। चाइना की आक्रामकता हमें आए दिन देखने को मिल रही है और ऐसे में अपने हथियारों के स्टॉक को बढ़ाने पर वायुसेना भी लगी हुई है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब और संख्या में बोइंग CH-47 चीनुक हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहती है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास करीबन 15 चीनुक हेलीकॉप्टर्स हैं और भारतीय वायुसेना इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल अलग अलग मिशन में करती है और इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चाइना से लगी LAC पर भी भारतीय वायुसेना ने किया था। जैसे कि दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में 48 Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के डील को रशिया से कैंसिल किया, जिनकी जगह अब भारतीय यानी कि इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर लेंगे। और जब तक IMRH पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारतीय वायुसेना को और चीनुक हेलीकॉप्टरों की जरूरत पड़ने वाली है और यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स अधिक संख्या में चीनुक हेलीकॉप्टर्स खरीद सकती है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है स्वदेशी ATAGS को लेकर। 155 mm बटे 52 कैलिबर के एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS का जो टेस्ट है वो अपनी लास्ट स्टेज में पहुंच गया है ट्रायल्स के। ऐसे में ये गन अभी भी इलेक्ट्रिक ड्राइव से संचालित होती है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से जो इनपुट्स मिले थे, जिसके लिए भारतीय सेना अभी भी इसके हाइड्रोलिक सिस्टम ड्राइव चाहती है और यही कहा जा रहा है कि इसके अगले टेस्ट 2-3 महीनों तक चलेंगे। दोस्तों, भारतीय सेना के बैटल टैंक्स और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को अब जल्द ही DRDO के द्वारा बनाए गए एडवांस 81 mm स्मोक ग्रेनेड से लैस किया जाएगा, जो कि एक डिफेंसिव सिस्टम है। बता दें कि ये स्मोक स्क्रीन को बना सकता है और साथ ही लेजर को भी ब्लॉक कर सकता है, जिससे कि दुश्मन के टैंक भारतीय टैंकों को हिट नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने स्मोक ग्रेनेड के यूजर ट्रायल्स किए थे अलग अलग टेरेन और हाई और लो टेम्परेचर में। साथ ही ये एंटी थर्मल और एंटी लेजर सिस्टम को भी हरा सकता है। DRDO ने इसकी तकनीक ऑर्डनाइज फैक्ट्री बोर्ड और एक भारतीय प्राइवेट सेक्टर फर्म सोलर ग्रुप को दी है, जो कि बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीकुंडा रोल टनल का भी उद्घाटन करेंगे। 8.45 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और काजीकुंड के बीच सड़क दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटा कम कर देगी। ये सुरंग जम्मू और कश्मीर के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित करने और दोनों क्षेत्रों को करीब लाने में मदद करेगी। दोस्तों, अगली खबर पेरू को लेकर आ रही है। दोस्तों, पेरू देश अपने 9 रशियन Mi-2 हेलीकॉप्टर्स को बदलना चाहता है। कहा जा रहा है कि ऐसे में थुर्व एडवांस हेलीकॉप्टर, जिसे कि HAL ने बनाया है, वो इसका एक मेन कंटेंडर हो सकता है। इसके अलावा HAL लैटिन अमेरिका के कई देशों से बातचीत कर रहा है, जिसमें कि बोलिविया, ब्राजील और कोलंबिया भी है। दोस्तों, अगली अपडेट रुस्तम 2 को लेकर आ रही है। दरअसल DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अगले महीने HAL को रुस्तम 2 का फाइनल डिजाइन भेजने वाली है, जिसके बाद HAL पहले 5 एयरफ्रेम्स का प्रोडक्शन करेगा। इसका इस्तेमाल यूजर ट्रायल्स के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए यानी कि इस ड्रोन के लिए फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स और डेटा लिंक सिस्टम को भी तैयार कर चुकी है। इसके अलावा 180 हॉर्स पावर के ऑस्ट्रो E4 इंजन के लिए भी ऑर्डर दिए हैं, जिन्हें की शुरुआत में इन ड्रोन्स को पावर देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन जो इसके प्रोडक्शन वेरिएंट होंगे, उनमें स्वदेशी 220 हॉर्स पावर का डीजल टर्बो प्रॉप इंजन लगाया जाएगा, जिसे कि कॉम्पैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक भारतीय प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर बना रही है। बता दें कि कुल 76 यूनिटों की डिलीवरी की जाएगी रुस्तम 2 की, जिसमें कि 60 भारतीय सेना को मिलेंगे, 12 भारतीय वायुसेना को और 4 यूनिटें इंडियन नेवी को मिलेंगी। बता दें कि जो प्रोडक्शन वेरिएंट आएगा रुस्तम 2 का, वो 8 गुना सस्ता होगा और इसमें 75% यानी कि 75% स्वदेशी सिस्टम और कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट AMCA को लेकर आ रही है। दोस्तों, AMCA के एवियोनिक्स इंजीनियर ने कहा है कि AMCA में होगा इलेक्ट्रॉनिक पायलट फीचर और ये इलेक्ट्रॉनिक पायलट फीचर मानवीय पायलट को गाइड भी करता रहेगा, यानी कि उसे निर्देश देता रहेगा।
और इलेक्ट्रॉनिक पायलट फीचर की वजह से एक्चुअल पायलट का काम भी कम हो जाएगा, जो कि मिशन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकेगा, वो भी पायलट के साथ मिलकर, खास करके डीप स्ट्राइक मिशन के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि AMCA का लॉन्ग रेंज रडार होगा, जो एक्सटेंडेड रेंज डिटेक्शन, सेंसर्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता के साथ होगा। साथ ही इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स होंगे, जिसे कि इसके एयरफ्रेम्स में लगाया जाएगा, जिससे कि पायलट को 360 डिग्री के विजुअल मिलेंगे, वो भी फाइटर जेट को मैन्युवर किए बिना। और इसके कॉकपिट में 3D ऑडियो वार्निंग सिस्टम होगा, जो कि वॉइस एक्टिवेटेड कमांड के साथ होगा। इससे पायलट का वर्कलोड काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि AMCA का पहला प्रोटोटाइप CCS के अप्रूवल के 4 सालों के अंदर तैयार हो जाएगा, और यही वजह है कि ADA एक 10 साल का रोड मैप बना रही है, जिसमें कि 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसमें कि फ्लाइट टेस्ट भी शामिल है। दोस्तों, एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों ने गुपचुप तरीके से एक दूसरे को लेटर्स का आदान प्रदान किया है। ये जो लेटर है, यानी कि पत्र, में आपसी सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की गई है। पत्रों का आदान प्रदान इमरान खान के नेतृत्व वाली PTI सरकार के अविश्वास प्रस्ताव में असफल होने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ की नियुक्ति होने के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि पुतिन ने पाकिस्तान के नए PM को एक पत्र लिखा, उन्हें प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने रूस और पाकिस्तान के बीच सहयोग को मजबूत करने की इच्छा भी जताई है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि इस्लामाबाद में नई सरकार पूर्व PM इमरान खान के बयानबाजी के कारण हुए नुकसान के बाद पश्चिमी देशों के साथ, विशेष रूप से कि अमेरिका के साथ भी संबंधों को फिर से स्थापित करने पर जोर देगी। दोस्तों, अगले अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि अफगानिस्तान में लड़ाकों ने सीमा पार से पाकिस्तान की एक सैन्य चौकी पर भारी हथियारों से हमला किया। इसमें 3 सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र में हमलावरों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कई लड़ाके भी मारे गए हैं। दोस्तों, ये तनाव इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में बमबारी की थी, यानी कि एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें मासूम लोगों की जान उसने ले ली। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की चौकी पर हमला करने में अफगानिस्तान के कई सशस्त्र समूह भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब अफगानिस्तान लगातार धमाकों से जूझ रहा है, और अभी हाल ही में अफगानिस्तान में एक मस्जिद पर धमाका हुआ था, जिसमें 33 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी कई तरीके के हमले उनकी सेना के ऊपर हो रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में कुछ हमलावरों ने पुलिस चौकी पर हमला किया, जिसमें कि पुलिस निरीक्षक समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ TTP ने इनके नाक में दम कर रखा है। बता दें कि इससे पहले एक और आतंकी हमला हुआ था पाकिस्तान में, जिसमें कि 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। यानी कि चौतरफा पाकिस्तान घिर चुका है आतंकवाद, और ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना उनका टारगेट है। आपको बता दें कि UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक TTP के, दोस्तों, अमेरिका ने बिना तार की बिजली सप्लाई करने का एक कारगर तरीका खोज लिया। इसमें बिजली आपूर्ति करने के लिए किसी ओवरहेड या अंडरग्राउंड वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तकनीक का सफल परीक्षण करते हुए अमेरिका ने 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक 1.6 किलोवाट बिजली की सप्लाई की है। बिना तार के बिजली सप्लाई करने का विचार लगभग 100 साल पुराना है। हालांकि दुनिया भर में कई देशों ने बिना तार के बिजली पहुंचाने को लेकर कई प्रोजेक्ट चलाए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। इसलिए अमेरिका आज भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी एडवांस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक US नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने मैरीलैंड में US आर्मी रिसर्च फील्ड में माइक्रोवेव बीम का उपयोग करते हुए 1 किलोमीटर से अधिक 1.6 किलोवाट बिजली को पहुंचाया। इस परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सिद्धांत काफी सरल है। बिजली को माइक्रोवेव में परिवर्तित किया जाता है और बाद में रेक्टेना एलिमेंट से बने रिसीवर पर एक बीम भी केंद्रित किया जाता है। ये बहुत सरल तरीका है, जिसमें एक RF डायोड के साथ एक एक्स बैंड डाइपोल एंटीना होता है, जो माइक्रोवेव रेक्टेना से टकराते हैं तो एलिमेंट करंट उत्पन्न करते हैं। आपको बता दें कि 1890 के दशक में निकोल टेस्ला ने बिना तार के पावर की सप्लाई की परिकल्पना की थी। इसके लिए उन्होंने टेस्ला काइल नाम की एक ट्रांसफार्मर सर्किट पर भी काम किया, जो बिजली को पैदा करता था, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि वो लंबी दूरी पर बिजली की एक बीम को नियंत्रित कर सके। तभी से दुनिया भर के वैज्ञानिक आज तक बिना तार के बिजली सप्लाई करने के कारगर तरीके खोज रहे हैं, जिसमें कि अमेरिका को एक बड़ी सफलता मिल गई है। तो दोस्तों, ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।